नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटी लाइफ में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कई शुभ और अशुभ योगों के बारे में जानकारी मिलती है। कुंडली में मौजूद ग्रहों की विशेष स्थितियों से योग और दोष बनते हैं। कई बार क्रूर ग्रह भी शुभ योग का निर्माण कर सकते हैं, तो वहीं शुभ ग्रह भी कई बार प्रतिकूल योग बना सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, ज्योतिष के कई योगों में से एक गुरु चंडाल योग के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। इस योग के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस योग के होने से व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये योग बनता कैसे है। तो दोस्तों, जब भी कुंडली के किसी भी भाव में गुरु और राहु की युति हो जाती है, यानी दोनों एक ही भाव में होते हैं, तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। यह योग जिस भाव में होता है, यानी कुंडली के जिस घर में होता है, उस भाव के अच्छे फल को प्रभावित कर सकता है बुरी तरह से। वैसे कुंडली के अलग अलग भावों में इसका फल थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी होती है कि गुरु और राहु के अंश किस तरह से हैं, यानी कि कौन सा अंश में बेहतर है और वो किस राशि में स्थित हैं। अगर गुरु की डिग्री पावरफुल है तो यह योग कमजोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह अशुभ योग कुंडली में होने पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव नहीं देता, लेकिन गुरु और राहु में से राहु ज़्यादा मजबूत हो जाए तो इस योग के चलते परेशानियां व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली के लग्न में गुरु और राहु की युति है तो वह पूजा पाठ में रुचि न रखने वाला होता है। जातक भ्रमित और बेवजह भी शक करने वाला हो सकता है। वहीं अगर यह योग दूसरे भाव यानी कि धन भाव में हो तो व्यक्ति की खान पान की आदतें ठीक नहीं होती और उसको धन से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। ऐसे लोग सिगरेट गुटखा जैसे चीज़ों के शौकीन हो सकते हैं। कुंडली के तीसरे भाव में ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम कर सकता है। चतुर्थ भाव में होने से माता के साथ जातक के संबंध खराब हो सकते हैं और ऐसे लोगों को सुख सुविधाओं की भी कमी हो सकती है। कुंडली के पंचम भाव में यह योग अगर बनता है तो जातक को उच्च शिक्षा में बाधा का सामना करना पड़ सकता है, या यूं कहें कि उच्च शिक्षा अधूरी रह जाती है। अगर कुंडली में अन्य शुभ ग्रहों का इन्हें सहयोग मिल पाता है तो फल सामान्य रहते हैं। छठे भाव में यह युति व्यक्ति को साहसी बना सकती है, लेकिन ऐसे लोगों के प्रतिद्वंदी यानी कि विरोधी बहुत ज्यादा होते हैं। सप्तम भाव में इस योग के होने से व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पार्टनरशिप में भी धोखा मिल सकता है। इसलिए अगर कुंडली के सप्तम भाव में यह योग बन रहा हो तो पार्टनरशिप में काम करने से आपको बचना चाहिए या सतर्कता से ये काम करना चाहिए। अष्टम भाव में यह युति व्यक्ति को जिज्ञासु बना सकती है, लेकिन सेहत को लेकर परेशानियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ सकता है। नवम भाव में इस युति के होने से व्यक्ति को किस्मत का बहुत अधिक साथ नहीं मिलता और मेहनत खूब करनी पड़ती है, तभी सफलता मिलती है। कुंडली के दशम भाव यानी कि कर्म भाव में गुरु चंडाल योग बन रहा हो तो जातक को नौकरी और व्यापार में परिश्रम करना पड़ सकता है। उसे अपने व्यापार को बार बार बदलना भी पड़ सकता है, नौकरी भी स्थायी नहीं रह पाती। एकादश भाव में यह दोष होने से जातक की आमदनी कम होती है और खर्चा ज्यादा होता है, साथ ही कई बार उसे अपनी आय के साधनों को बदलना पड़ सकता है। वहीं द्वादश भाव में यह युति व्यक्ति का आय से ज्यादा खर्चा करा सकती है और साथ ही ऐसे लोगों को मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, गुरु चंडाल योग से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे माथे पर नित्य केसर हल्दी का तिलक आपको लगाना चाहिए। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर पीली वस्तुओं का दान करने से भी आपको लाभ हो सकता है। माता पिता और गुरुजनों का आपको हमेशा सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करने से भी आपको लाभ मिल सकता है। राहु ग्रह के मंत्र ओम राम राहवे नमः का जब भी आपको करना चाहिए, इससे भी आपको लाभ मिलता है। बहते हुए जल में 7 बुधवार तक अगर आप सूखा नारियल प्रवाहित करते हैं तो इससे भी गुरु चंडाल दोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आपको राहु से संबंधित वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइफ। नमस्कार।